हाय, आज मैं लेके आई हूँ ऐसा फेसपैक जो 10 रुपीज़ में 8 ग्राम फेसपैक आता है और ये हिमालय का है। कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि 10 रुपीज़ में 8 ग्राम फेसपैक आएगा। मैं सर सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं रिव्यू दे रही हूँ। बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये है हिमालय का केसर ग्लो पैक। एंड वी नो केसर हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। एंड समर आ रहा है एंड स्किन हाइड्रेट नहीं रह पा रही है, मेरी खुद की स्किन ऐसे ड्राई हो रही है, तो उसके लिए फेस पैक बहुत अच्छा है। केसर हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने में हेल्प करता है और एक टोन ब्राइट करता है एंड फ्री कॉम्प्लेक्शन देता है। तो हम यूज़ कर रहे हैं ये हिमालय का केसर ग्लो फेस पैक। इसमें ये लिखा गया है कि यार ये केसर नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। वी नो कि केसर हमारे फेस को ब्राइट करने में हेल्प करता है, साथ ही एलोवेरा है तो ये कूलिंग देगा और टर्मरिक हमारे जितने भी स्पॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने में, क्लियर करने में हेल्प करता है। ये मैं फेस पैक यूज़ कर रही हूँ 10 रुपीज़ का, ओनली 10 रुपीज़ का। मैं इसे सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है जब से ये आया है। एंड इसका एक नीम वाला भी आता है, वो मैंने यूज़ किया है, वो भी काफ़ी काफ़ी अच्छा है। मैं उसका भी रिव्यू दूंगी अगर आप चाहो तो। इसमें टर्मरिक है एंड वॉलनट के ग्रैन्यूल्स भी हैं जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा। एंड केसर जो हमारे स्किन को लाइट करने में हेल्प करेगा। टर्मरिक है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। कैलोइन है ब्राइट करेगा एंड ब्रिटिस रिमूव करेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें काफ़ी क्वांटिटी आ जाती है जो हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए इनफ है। इसका टेक्सचर थोड़ा ठीक है। अगर हम एलोवेरा का नीम वाला नीम यूज़ करते हैं, हिमालय का नीम वाला फेस पैक, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी थीन होती है। इसकी काफ़ी ठीक क्वांटिटी है। हम इसे अंडर आई के अराउंड में अप्लाई करेंगे। थोड़ा ठंडा होता है तो आइस तक के ना जाए। पहले तो आप पेस्ट लीजिए, क्योंकि मैं इसको सेकंड टाइम यूज़ कर रही थी इसलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, वरना आप थोड़ा सा एक पैच लेके दिखिए, बिकॉज ऑफ कई लोगों को इरिटेशंस होती है। ये इजीली ऑल ओवर फेस पे अप्लाई हो जाता है, मतलब इतनी क्वांटिटी आती है कि फेस और नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं गई थी शॉप पे एंड मुझे एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट मिला जो 10 रुपीज़ था। मैंने सोचा बाय कर लूँ, पहले मैं यूज़ कर लूँ इसको। वीकली हम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले मैंने खुद ने यूज़ किया है एंड देन मैं इसके बाद इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ मतलब पहले अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं काफ़ी टाइम अप्लाई यूज़ करने के बाद में मैं इसका रिव्यू देती हूँ, कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। ये हल्का सा ठंडा होता है तो हम समर के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत प्यारा है और कॉम्बिनेशन स्किन भी यूज़ कर सकते हैं इसे। इसमें इतनी क्वान्टिटी आ दी कि हम पूरे ऑल ओवर फेस एंड नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी भी बचा हुआ है बट मैं ओके सफिशेंट इतना यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा फेस पैक है, इसमें केसर है। वाव, दिखते हैं लाइट करते हैं कि स्किन को। मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट कॉम्प्लेक्शन मिला है इसका एंड ये मेरी ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो उसके लिए इतना प्यारा है ना। मतलब बहुत ऑयली स्किन के लिए हमें नीम वाला जो फेस पैक है वो काफ़ी अच्छा है, बट ये हमारे ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसे डायरेक्ट अप्लाई करें, सबसे पहले पैच लीजिए, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा मतलब ठंडक देता है, कोल्ड करता है, तो किसी किसी को एक्ने होते हैं ना तो जलन करता है। हमें इसका पैच लेके ट्राई करना है फेस के 1 ईयर में एंड 24 आवर्स के बाद में ही इस मतलब यूज़ करना है, बिकॉज हो सकता है कि इसका कोई रिएक्ट हो जाए किसी किसी को, हर किसी को नहीं होता है बट हो जाए तो, इसलिए। एंड इसे हम 10 to 15 मिनट्स रखेंगे एंड उसके बाद में वॉश कर लेंगे। सो इट्स माई फेस आफ्टर वॉश। मैं जब इसे वॉश कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं क्रीम अप्लाई करके वॉश कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा माइल्ड है।
बहुत ज्यादा है, मतलब ड्राई स्किन के लिए समर वाइज तो बहुत प्यारा फेस पैक है। आप खुद देख सकते हो मेरा फेस लाइक कैसा चेंज आया है, हल्का सा, मतलब एक बार में तो नहीं आएगा बट हम इसे वीकली यूज कर सकते हैं, ट्वाइस, तो बहुत प्यारा है, मतलब अमेजिंग, बड़ा अमेजिंग एक टेक्सचर आया विदाउट लाइट। मैं दिखा रही हूँ, मतलब कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है ये मेरे रूम में, एंड अमेजिंग सी। अगर मैं सिर्फ रेगुलरली वीकली यूज करती हूँ ना, तो मे बी मेरे ये पिम्पल स्पॉट्स भी क्लियर हो जाए। बहुत माइल्ड था एंड मेरा स्किन टेक्सचर बहुत ड्राई एंड कॉम्बिनेशन है, सो मैं मतलब जैसे इसे अप्लाई करके वॉश कर रही थी ना, इतना मतलब स्मूथ लग रहा था वो, ऐसे क्रीम जैसे क्रीम अप्लाई करके हम वॉश करते तो एक फीस टाइप सा था, वाओ फॉर्म टाइप सा, वैसे बहुत माइल्ड था, बहुत प्यारा लगा सी। सो आफ्टर 15 मिनट्स मैंने ऐसे वॉश किया है, काफ़ी माइल्ड लग रहा था, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी एंड स्मूथ था, इसका टेक्सचर थोड़ा ठीक है बट इतना अमेजिंग लगा ना, बहुत ज़्यादा प्यारा, एंड लग माई स्किन बहुत हाइड्रेट लग रही है, यानी ये समर वाइज बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट लगा मुझे, सो इसे हाईली रिकमेंडेड करती हूँ मैं सी। मेरा स्किन टोन भी वन, कॉम्प्लेक्शन मेरा लाइट लग रहा है, जितनी भी ड्राइनेस थी थोड़ी, मतलब आपने देखा ही होगा मुझे जाने से पहले यहाँ पर ड्राइनेस थी इसे अप्लाई करने से पहले, एंड नाउ थैंक यू हिमालय, थैंक्स टू हिमालय कि 10 रुपीज में इतना प्यारा फेस पैक दिया है, मतलब 8 ग्राम एंड इतना स्मूथ है ना, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अमेजिंग, मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसे रेगुलर वेज पे भी यूज़ कर सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ वीकली, बहुत अमेजिंग है। वाओ थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉलो ऑन मोर, बाय।